हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्टैटिक डीएनएस इनेबल करते हैं या कस्टम डीएनएस क्रिएट करते हैं सोफोस एक्जी फायरवॉल में। तो इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आया हूं। देरी किए बिना मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको नेटवर्क में आना है, जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आता है, नेटवर्क पर क्लिक करना गाइज है। नेटवर्क में क्लिक कैसे करेंगे आप गाइज, आपको तो यहाँ पे इंटरफेस जोन्स वैन लिंक मैनेजर डीएनएस फोर्थ ऑप्शन डीएनएस है, डीएनएस के ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। डीएनएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ऑप्टेन डीएनएस फ्रॉम डीएससीपी, थर्ड ऑप्शन ऑप्टेन डीएनएस फ्रॉम ट्रिपल पीओई और थर्ड ऑप्शन है स्टैटिक डीएनएस। अगर हम आपको इसमें बताएंगे कि स्टैटिक डीएनएस कैसे करते हैं। तो गाइज, इसमें क्या करना, स्टैटिक डीएनएस के ऊपर हमको क्लिक करना है। अब गाइज, आपको क्या करना, आपके पास जितने भी डीएनएस हैं, कोई अलग अलग आईएसपी रहते हैं, अभी अलग अलग, अभी क्या 8.8.8 कॉमन है, लेकिन हर एक आईएसपी का अलग अलग डीएनएस होता है। अगर कोई आप एयरटेल का या किसी और आईएसपी को यूज कर रहे हो, तो अभी मैं फिलहाल अभी 8.8.8.8 ये मेरा एक डीएनएस है और मैं यहाँ पे दूसरा डीएनएस डाल देता हूँ 8.8.4.4। ये मैंने दो डीएनएस ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ पे ऑप्टेन रखना चाहते तो यहाँ से ऑटोमेटिक उठाएगा डीएनएस, जो ऑप्टेन फर्स्ट ऑप्शन है। अगर स्टैटिक डीएनएस रखना चाहते हैं तो स्टैटिक डीएनएस भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और इसको स्क्रोल डाउन करना, आपको थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करने के बाद इसको आपको सेव कर देना है। सेव जैसे करेंगे, यू मस्ट इनरेट वैलिड डीएनएस टू। अब यहाँ पे गाइस पूछ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक डॉट एक्स्ट्रा लगा दिया है जिसकी वजह से वो इनवैलिड हो गया था। अभी हमारा ये हो जाएगा सेव। इसी प्रकार से आपको करना है। देखिए, हमारे यहाँ पे आ गया डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली। अब आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पे ऑप्टेन डीएनएस रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्टेन पे क्लिक कर देना है और इसको कर देना है सेव। तो आपके यहाँ पे जो भी डीएनएस रहेगा ऑप्टेन में आएगा, वो डीएनएस ऑटोमेटिकली ले लेगा डीएससीपी के थ्रू। और आप चाहते हैं कि आप स्टैटिक डीएनएस ऐड करना चाहते हैं तो स्टैटिक ऐड से, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए बस क्या है कि एक 15-20 मिनट का डाउन टाइम लेना चाहिए, क्योंकि डीएनएस आप जब चेंज करते हैं तो मे भी हो सकता है, क्योंकि डीएनएस नहीं रीच होगा तो इंटरनेट की ट्राफिक डेस्टिनेशन तक नहीं रीच होगी। तो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।